सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ सूजी का दही बड़ा स्टफिंग वाला, और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है सबको। तो आइए देखते हैं सूजी का दही बड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये देखिए, हम एक बाउल सूजी लिए हैं, ये 150 ग्राम करीब इसका वेट है। और इसी बाउल से हम नाप कर फेटा हुआ दही लिए हैं तीन बाउल फेटा हुआ दही है ये। और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे या 1.5 छोटा चम्मच। और दही बड़ा में स्टफिंग करने के लिए हम किशमिश का स्टफिंग करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और 4-5 कड़ी पत्ता है ये, और 3-4 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच सरसों दाना और 1 पिंच हम हींग का यूज करेंगे। और बड़ा बनाने के लिए कोई सा भी तेल चाहिए हमें। बड़ा को सर्व करने के लिए गाढ़ा दही का इस्तेमाल करेंगे हम। और रेड चटनी केचप चाहिए हमें, और थोड़ा सा हमें हरा चटनी चाहिए 1-2 चम्मच। ये देखिए, हमें गैस पे एक पैन चढ़ा लिए हैं और उसमें ये जो हमारा सूजी था उसको ड्राई रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए, हम 2 मिनट रोस्ट कर लिए हैं सूजी को। अब इसमें जो फेटा हुआ हम दही लिए हैं वो डाल लेंगे धीरे धीरे। दही को डालकर हमें अच्छे से इसे मिलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसे चलाते हुए हमें ड्राई कर लेना है दोस्तों। ये देखिए, हम 3-4 मिनट इसे पकाए हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के बाद में नमक और हम धनिया मिक्स करेंगे इसमें। अभी देखिए, हम दूसरे बाउल में निकाल लिए हैं सूजी को और इसमें हरा धनिया डाल लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम 1.5 छोटे चम्मच नमक डाल रहे हैं। और नमक डालने के बाद में इसे हमें आटा के जैसे गूंद लेना है थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से, और कि अच्छा से हमारा नमक और धनिया मिक्स हो जाए। ये देखिए, हम 1 छोटे चम्मच तेल डाल ले रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम 1 पिंच हींग डालेंगे। ये हम दही में डालने के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये लाल मिर्च है और कड़ी पत्ता है और सरसों दाना है, और इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमारा तड़का तैयार हो गया है तो गैस को हम ऑफ कर लेते हैं। तड़का को हम हल्का सा ठंडा कर चुके हैं, उसके बाद हम दही में फेंट रहे हैं सावधानी से। और दही में हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, और मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हम कढ़ाई में इधर तेल चढ़ा दिए 250 ml गर्म होने के लिए। और ये देखिए, सूजी का हमारा डोट तैयार है बनाने के लिए। तो हाथों में थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे और 1 चम्मच निकालेंगे सूजी के डो में से, और इसे हम इस तरीके से गोला बना लेंगे। ये देखिए, मैं गोला बना ली और इसे हम बीच में थोड़ा सा होल कर लेंगे इस तरह से, और 2 या 3 किशमिश डालेंगे इसके अंदर और इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से बंद करके और चपटा कर लेंगे हाथों से, और चपटा करके रखते जाएंगे तलने के लिए। ये देखिए, गोल कर लिए और इसे हम बीच में होल कर लेंगे हल्का सा। इसे बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों, और 2-3 किशमिश जितना आपको पसंद हो बीच में डाल लें और इस तरह से इसे बंद कर लेना है, देखिए इस तरह से। और बहुत ही इजी है बनाना दोस्तों, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है दही बड़ा। और इसी तरह से हम सारा दही बड़ा को बना के रेडी करेंगे तलने के लिए। तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। ये देखिए, हम सारा दही बड़ा को बना लिए हैं और तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया, आँच आ रहा है। तो हम एक दही बड़ा में से उठाएंगे और सावधानी से डालेंगे, और ये देखिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे बड़ा को। और एक साइड से जब हमारा बड़ा सिक जाएगा तो इसे हम दूसरे साइड इस तरह से
पलटेंगे सावधानी से, और दोनों साइड इसे हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन तलना है। ये देखिए बड़ा हमारा क्रिस्पी हो रहा है, इसे क्रिस्पी करने के बाद ही निकालें। और ये देखिए हमारा बड़ा क्रिस्पी हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं। मैं इसमें बिना सोडा के बनाई हूँ दोस्तों, अगर आपको ज्यादा फूला फूला पसंद हो तो आप एक पिंच सोडा डाल सकते हैं इसमें। इसी तरह से हम सारा दही बड़ों को तल लेंगे, सावधानी से डालेंगे। ये देखिए जो दही को हम तड़का लगा के रखे हैं और जो बड़ा बना के हम रखे हैं, इसमें डाल लेंगे दही में। जितना आपको सर्व करना हो उतना ही डालें बड़ा को, और डाल के हमें इससे डीप कर लेना है। इसे हम ज्यादा देर तक डीप नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये सूजी का दही बड़ा है। जब जब खाना हो, जब जब आप इसे डीप करके फटाफट सर्व करें, नहीं तो इसका क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा और टूट जाएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा दही बड़ा बना है, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ऊपर से डालें हरा चटनी, आपको जितना पसंद हो डाल लें, और रेड चटनी आपको जितना पसंद हो, हमें कम पसंद इसलिए हम कम डाल रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए हमारा दही बड़ा बन के बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और नीचे से स्पॉन्जी होगा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा दही बड़ा बना है, ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है सूजी का दही बड़ा बनाना, बिल्कुल मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है बनाने में, और इसे आप फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने घर में खाएं। अगर आपको पसंद आती है हमारी बनाई गई रेसिपी तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई हमसे रेसिपी बनवाना है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी बन गया सूजी का दही बड़ा, बहुत ही इजी है दोस्तों बनाना, 10 मिनट में मात्र बन जाता है। तो आप भी इसे बनाएं और अपने घर में खाएं। अगर आपको हमारी दही बड़ा की रेसिपी पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है दोस्तों, उसे जरूर क्लिक करें। अगर आपको कोई रेसिपी हमसे बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए।